पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी। इस हत्याकांड के बाद मानो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। पुलिस इस हत्याकांड के तार को जोड़ने के लिए दिन रात दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ या तो कुछ सुराग नहीं लगा है या फिर पुलिस अभी कुछ और तलाश रही है। बहरहाल हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला के उन दोस्तों के बारे में जो वारदात के वक्त सिद्धू मूसेवाला के साथ थे, और अब कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के दोस्त ही झूठ बोल रहे हैं, और इसके पीछे की कई वजहें भी हैं जो सिद्धू मूसेवाला के दोस्तों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही हैं। आप भी उन सवालों को ध्यान से देखिए और सुनिए जो अब चीख चीख कर सवाल पूछ रही हैं कि आखिर दोस्त ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहला सवाल, सिद्धू मूसेवाला को जब गोली मारी गई तो उनके दोस्तों को क्यों कुछ नहीं हुआ, जबकि थार को आप चारों तरफ से देखेंगे तो ऐसा कोई जगह नहीं बचा है जहां से हमलावरों ने फायरिंग ना की हो। और सिद्धू के दोस्त ने बयान दिया है कि वो सिद्धू के पीछे बैठा था इसीलिए वो बच गया, जबकि आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो पाएंगे अगर किसी को गोली मारी जाए तो बंदा अपने आप को बचाने की कोशिश में इधर उधर मूवमेंट तो करेगा, और सिद्धू तो ड्राइविंग सीट पर थे तो झुककर बचने की कोशिश तो उन्होंने की होगी, तो फिर पीछे बैठा व्यक्ति कैसे बच जाएगा। सवाल नंबर दो, दोस्त के हिसाब से गोलियां सिद्धू ने भी चलाई थी तो गोलियों के सेल बगल वाली सीट पर जहां वो दूसरा दोस्त बैठा था वहां पर कैसे पहुंचे, जबकि इसे सिद्धू के आसपास होने चाहिए थे। तीसरा सवाल, सिद्धू मूसेवाला चाहे जितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच गए हों, वो कभी अपनी पगड़ी के बिना कहीं नहीं जाते थे, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि सिद्धू बिना पगड़ी के घर से निकल गए, और आमतौर पर सिद्धू को लोगों ने पगड़ी के साथ ही देखा था तो हमलावरों ने तुरंत सिद्धू को एक सेकंड में कैसे पहचान लिया कि ये बिना पगड़ी वाला इंसान ही सिद्धू मूसेवाला है जो गाड़ी चला रहा है, उसके बाद दनादन फायरिंग करने लगे। सिद्धू के दोस्त ने कहा था कि सिद्धू के पास और गोलियां होती तो जिंदा होता, जबकि एक गोली बराबर वाली सीट पर भी पाई गई है, तो सवाल तो उठता है कि सिद्धू के दोस्त ऐसी गवाही क्यों दे रहे हैं जो तालमेल नहीं खा रही हो। जब एक ही दिन पहले सिद्धू की सुरक्षा वापस ली गई थी और उनके पिता को भी सिद्धू को समझाने की धमकी मिली थी तो बिना कमांडो के सिद्धू मूसेवाला गए ही क्यों। सवाल नंबर पांच, सिद्धू के दोस्त ने यह भी कहा था कि पहले पजेरो कार से जाने वाले थे लेकिन वो पंक्चर थी, जिसके बाद थार लेकर निकले, जबकि सिद्धू के पास बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कार भी खड़ी थी लेकिन सिद्धू वो लेकर नहीं गए, जबकि सिद्धू को पता था कि पिछले 8 महीने से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। सिद्धू के दोस्त इस वारदात में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां भी एक सवाल उठता है कि उन हमलावरों की अत्याधुनिक बंदूकों से निकली गोलियां लोहे की बनी गाड़ी को आर पार कर गई तो ये दोनों कैसे बच गए। यही वो सवाल है जो अब लोग सोशल मीडिया पर दाग रहे हैं। हालांकि पुलिस भी इन सवालों पर अपनी निगाहें बनाए हुए है। आपको क्या लगता है, क्या सिद्धू के दोस्त वाकई में झूठ बोल रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।